إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة السلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة السلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد मेरे नहायत ही बाजों को इहतराम सुस्तो दोस्तो भाइयों पहले हमारे पास जनाब जिशारत का मौका मिले है अल्लाह ताला हम सब का मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो कुछ हम पढ़े उसने अमल की तौफीक अता हजरत एक साथ की जिंदगी का एक अहम असासा उसकी औलाद है। दीनी एतबार से औलाद की तरबियत इनके ईमान की हिफाजत माँ बाप की अहम जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है और ये इतनी अहमियत का काम है आम इंसान तो आम से ही आने वाली नस्ल के ईमान की हिफाजत अल्लाह के नबियों को भी थी। सूरह बकरा में जनाबे सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा मौजूद है। कुरान मुकद्दस इरशाद फरमाता है अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल-मौत, क्या तुम उस वक्त हाजिर थे जनाब जब जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के पास मौत का फरिश्ता आया है। जिंदगी के आखिरी लम्हात औलाद के लिहाज से फिक्र किस चीज की लगी हुई है। आपने अपने बेटों को बुलाया और फरमाते हैं इस कौल अली बनी की मा तअबुदून मिन बादी, बुजुर्गों की तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह का पैगंबर औलाद को बुला के ये सवाल पूछता है मा तअबुदून मिन बादी, मेरे जाने के बाद इबादत किसकी करोगी। अभी ये सवाल बड़ा काबिल हो रहा है, सवाल करने वाला अल्लाह का नबी, जिनसे किया जा रहा है वो भी अल्लाह के नबी, एक नबियों के नबियों से सवाल कर रहा है मेरे जाने के बाद इबादत किसकी करोगी। तो जरा सोच लें दीनी एतबार से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का ये पैगाम आपको मुझे सबक देता है कि औलाद का दीनी एतबार से ध्यान रखना कितना जरूरी काम है। ये नहीं कि चलो बुजुर्ग हजरात को चलवाते नमाजी पर जगाना अदा की बेटा कोई भी नहीं आता तो आने वाली नस्ल का बिल बनेगा क्या। जरा थोड़ी सी तवज्जो फरमाए ना, हमारे माँ बाप ने जितनी मेहनत की हम पे इतना चलो समझाया बचाया इतने बड़े कौम में से ये अहबाब बचे मस्जिद के लिए, अगर हमने ध्यान न किया तो फिर सोचो आने वाली नस्ल कहाँ जाएगी। अल्लाह के घर कितने हैरान होंगे हमारी औलाद का कि दीन का क्या बनेगा, अल्लाह को कितने मानने वाले होंगे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने फरमान बरदार होंगे। तो ये हम मुआज़ना कर सकते हैं कि फिर आने वाले नस्ल का क्या प्लान है। जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों से ये सवाल करते हैं मेरे जाने के बाद इसकी बात करोगे, बेटों का जवाब भी बड़ा काबिल होगा। इस सवाल का बड़ा सादा सा जवाब था कि ना अब्दुल्ला अब्बा जी अल्लाह की बात करो, सादा सा जवाब था लेकिन बेटों ने यह जवाब दे दिया। इस जवाब देने के पीछे भी काफी मसाइल है, बेटों ने ऐसा जवाब दिया कयामत तक आने वाली मुस्लिम कौम के लिए एक रहनुमाई का सबक,
بیٹوں نے جواب دیا قالوا نعبد الهك و اله ابائك ابراهيم و اسماعيل و اسحاق اله واحد. بیٹوں نے کہا ابا جی عبادت کے اعتبار سے ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں, ہم اس رب کی عبادت کریں گے ابا جی جس کی آپ عبادت کرتے ہیں. بیٹوں کا یہ جواب دینا اس میں بڑا راز ہے. مفسرین بیان فرماتے ہیں ایک بندہ اللہ کو ایک مانے لیکن نبی کے ذریعے سے نہ مانے, بس ویسے ہی ٹھیک ہے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں لیکن نبی کے ذریعے سے نہیں مانتا, اس کی توحید کی قابل قبول نہیں. اللہ کی بارگاہ میں توحید وہی قابل قبول ہے جو نبی کے راستے سے ہو کے آئے. اگر نبی کا درمیان سے واسطہ نکل جائے تو پھر وہ توحید توحید رہتی ہے. اس لیے بیٹوں نے آگے سے جو جواب دیا نا, ابا جی ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن آپ کے وسیلے سے مانتے ہیں, آپ کے واسطے سے مانتے ہیں, جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں ابا جی ہم اسی کو سجدے کیا کریں گے. آپ کا نام لکھ لیا اور ساتھ ہی بات وہ الہ آبائی, ابا جی آپ کے باپ دادا آپ کے بڑے بڑے جس کی عبادت آپ کے باپ دادا کرتے تھے نا, تو ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے. گویا یہ انبیاء کی فرشت نے ساتھ نام بھی لے دیا. وہ باپ دادا کون تھے؟ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام, جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام, جناب سیدنا اسحاق علیہ السلام. نام لے کے بتا دیا کہ جن کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے ابا جی ہم اس کی عبادت کیا کریں. جس سے امت محمدیہ کو یہ بات کیوں بتائی کہ حضرت بات تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی, یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے بیٹوں کے ساتھ تعلق رکھتی تو ہمیں کیوں بتائی گئی؟ اللہ کا سارا قرآن ہم کی الف سے لے کر ورناس کی سین تک, اس میں جتنے واقعات موجود ہیں, جتنی قوموں کے قصے موجود ہیں, تو صرف اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو اس لیے بتایا تاکہ میرے محبوب کی امت بھٹکنے نہ پائے, سابقہ لوگوں سے یا تو عبرت حاصل کر لے, کسی پہ عذاب نازل ہوا ہے تو یہ عبرت پکڑے کرے کہ یہ کام فلاں قوم نے کیا تھا لہذا ہم بچ جائیں اللہ کے عذاب کا, کہ مستحق نہ ٹھہرے, اس سے بچنے کی کوشش کرے. یا پھر عزت کے معاملات ہیں تو ایسے لوگوں کے قصے بیان کیے جنہیں اللہ نے انعام دیا, تو یہ اس لیے ہمیں بتایا تاکہ میرے محبوب کی امت ایسے کام کرے جو کہ انعامات والے ہیں, تاکہ میرے محبوب کی امت ہو جنہیں میں نے انعام عطا کر. تو دونوں انداز سے ہمارے لیے خصوصاً آنے والی نسل کے دین کا لحاظ, آپ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں, ایک آدمی اور اس کے ساتھ ایک کم سن بچہ بازار سے گزرے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے اس بچے کو اٹھوایا اور ارشاد فرمایا مت باغ بیٹے کے ساتھ کون تھا. یہ بات بہت قابل غور ہے, یہ ان بھائیوں کی نظر ہے جنہیں اللہ نے اولاد دی اور جو اس بات کے ابھی قریب قریب ہیں, جو سن لیں گے اسی کو کام ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بیٹے ماں باپ تیرے ساتھ کون تھا؟ تو عرض کیا حضور آدھا ابھی یہ میرا باپ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اب تربیت فرما رہے ہیں اس بچے, سامنے تو صرف ایک تھا لیکن پیغام قیامت تک آنے والے ہر کلمہ پڑھنے والے کو دے دیا ہے. اسے بتا رہا ہوں آنے والی نسل آنے والی میری ہمت ذرا ذہن میں رکھ لے, بڑی پتے کی بات ہے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاخ فرماتے بیٹے جب باپ کے ساتھ چلو نا تو کبھی اپنے باپ سے آگے قدم نہ رکھنا. اس انداز میں بڑا سبق ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے باپ سے آگے چلنا نہیں. ذرا اسے اور انداز میں کہہ لیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹے کبھی زندگی میں اپنے باپ کو پچھاڑی نہ کرنا. یہ سبق ہے جو بیٹا اپنے باپ کو پچھاڑی نہ کرے وہ کبھی اللہ کے ولیوں کو پچھاڑی نہ کرے گا. اسے گھر سے دین سمجھ رہے ہیں, میرے باپ کی اگر اتنی عصمت ہے تو پھر اللہ کے ولی کی اتنی عصمت والے گا.
जो बेटा अपने बाप का इतना फर्मा बरदार बन जाए वो कभी सहाबा कराम को पिछाड़ियों नहीं करे, वो कभी आले रसूल के बारे में तो गलत जबान को ले गए, और फिर इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक तो ख्याल ही नहीं आए, फिर इज्जत की बातें अदब इहतराम की बातें उसके जहन में अटकेगी कि जब मेरा बाप इतनी अजमत वाला है तो ये लोग जो अल्लाह के इतने मुकर्रर बैठे हैं इतनी अजमत वाले, तो फरमाया अपने बाप से आगे चल रही है। यहाँ एक और समझ की आज तकरीबन घर घर में ये आग जल रही है, बेटा घर में कोई बाप को हुक्म देता है या किसी काम की प्लानिंग चल रही है तो बाप कहता है ये काम कर, बेटे कहते हैं अब्बा जी इतना ही आपको नहीं पता कैसे काम करना है माहौल से कैसे चलना है, अब्बा जी आप पुराने में तो इसलिए लिहाजा आपको नहीं करना, अच्छा बाप कुछ कह रहा है बेटे कुछ कह रहे, बात मामले भी करीब नहीं जाए, ये क्यों प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुनियाद में ही ये सबक दे दिया था, फरमाया अगर ये सिखाओगे ना कि अपने बाप से आगे कदम नहीं रखना, जो बेटा अभी कदम नहीं रखेगा वो बाप से बढ़ के घर में कभी फैसले भी नहीं करेगा, घर में सुनो। दूसरी बात आलम फरमाए बेटे तू और तेरा बाप अगर किसी एक मजलिस में इकट्ठे हो जाओ तो फरमाया बाप के बैठने से पहले तूने बैठना, ये वो आदाब है जो जुबान रिसालत से निकलते हैं, बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, ऐ बोले मोहम्मद बोले खुदा फरमान न बदला जाएगा, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुनहरी अल्फाज है, फरमा बेटे अगर तू और तेरा बाप किसी एक मजलिस में इकट्ठे हो जाओ तो बाप के बैठने से पहले बैठना ही नहीं, ये उसका एहतराम है। जरा सोचो अगर बेटा इतना फरमा बरदार हो तो मैं ईमान से कह सकता हूँ बाप जब भी आग उठाएगा ना तो ऐसे बेटे के लिए दुआएं जरूर करेगा, जब बेटा इतना फर्मा बरदार हो तो फिर माँ भी उसके हक में दुआएं करेगी और बाप भी उसके हक में दुआएं करेगी, लेकिन अगर औलाद ना फरमाने तो इस दौरे मौजूद में हमने ऐसे भी बुजुर्ग देख लिए, ऐसे बुजुर्गों की जुबान से ऐसे लफ्ज भी हमने सुन लिए, याद तो अगर कह जाए देना सी तीन दिन चंगा सी ऐसे भी औलाद, ऐसी ऐसी बातें माँ बाप करे औलाद की वजह से औलाद की ना फरमानी हो सकता था, याद ऐसे तो अच्छा था कि मेरी औलाद थी, तो मैंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अदब सिखाया और बुजुर्ग फरमाते बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब बेअदब मकसूद ना हासिल ना दरगाहे डोरी अदबो बाद मंजिल ते बहुत नसीहत। तो आने वाली नस्ल औलाद के लिहाज से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने चौथी बात इरशाद फरमाई, इरशाद फरमाए बेटे जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम ना करना तेरे काम की वजह से तेरे बाप की नजरें शर्मिंदगी से झुकता, ऐसा काम मत करो। जरा सोचो ना कभी बाप ने हम भी कही हम हमें से कई बाप बैठे कभी हमने अपने बच्चे को पास बिठा के ये बातें समझाई है बेटे बाहर निकल रहा है तो ऐसा काम ना करना, ऐसी किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना कि मेरी मुझे शर्मिंदगी होगी, लोग ताना लेके घर में आ जाए तेरे बेटे ने ये काम किया, फरमा बेटे जिंदगी में ऐसा कोई काम ना करना, अच्छा बेटे से पहले हम बाप हैं तो हम भी जिंदगी रखें, हमें भी चाहिए अपनी जिंदगी के शब रोज आते जाते उठते बैठते हम भी अपने किरदार में नजर साबित किया करें, बाप को भी चाहिए ऐसा काम कोई मत कर के तेरे काम की वजह से तेरी औलाद को ताने दिए जाए। माहौल में हम बैठते इतनी मरतबा ऐसा होता है कि लोग पोता नमाजी है पंजगाना नमाज का पाबंद है अच्छा नेक सीरत है खुश इखलाक है अच्छे काम करता है, लेकिन दादा जान से किसी दौर में गलती हुई थी लेकिन लोग पता क्या कह रहे हैं इसे डिग्रेड करने के लिए अच्छा अच्छा तू पुराना दादे का पोता जानते ही तेरे दादे ये दुनिया को दादा जान को पकड़ लेती है, इसलिए हुक्म है औलाद से पहले बाप भी सेहत में रखे माँ भी सेहत में रखे, अपना किरदार इतना संभाल लो हमारी वजह से हमारी औलाद को कम अज कम आने देने चाहिए। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे से इरशाद फरमाने लगे बेटा जिंदगी में कोई ऐसा काम मत करना है तेरे गंदे कामों की वजह से तेरे बाप की नजरें शर्मिंदगी से झुकती। चौथी बात इरशाद फरमाई फरमाए बेटे अगर किसी मोड़ में अपने बाप को बुलाना हो ये दीन है ये इस्लाम है
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر کے دروازے پہ جانے دیا, اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دی, فرمایا میرے امتی میرا کلمہ پڑھا تو کسی اور کی چوکٹ پہ جانے کی نوبت نہیں آئی, سنونا بھی پیش نہیں تھی. چوتھی بات یہ شاخ فرمائی, بیٹے اگر کبھی باپ کو بلانا ہو تو باپ کا نام لے کر آواز نہ دے, یہ ادب ہے یہ احترام. باپ کو بلانا ہو تو بیٹے کو چاہیے اس رشتے کو مد نظر رکھ کے آواز دے جو تیرا اور تیرے باپ کے مسئلہ. بیٹا اگر باپ کو بلا رہا ہے تو ابا جی کہہ کے آواز دے. ایک بھائی کا نام اسلم محمد اسلم ہے, بیٹا اگر باپ کو بلا رہا تو یہ نہیں ابا اسلم گل سنی, یہ اس کی بے ادبی ہے. یہی بجائے حکم ہے جب امتی اپنے نبی کو آواز دے تو نام دے کے آواز نہیں, یا رسول اللہ کہہ کے آواز دے, یا حبیب اللہ کہہ کے آواز دے, یہ طرح ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو یہ چار نصیحتیں کر کے فرمائی, بیٹے زندگی میں خیال رکھنا, نہ تو اپنے باپ سے آگے چلنا, باپ کے ساتھ جاؤ تو پہلے بیٹھنا نہیں ہے, زندگی میں ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے باپ تیرا شرمندہ ہو, اور کبھی آواز دینی پڑے تو فرمایا باپ کے اس رشتے کو مد نظر رکھ کے آواز دے. ایسے ہی قرآن مقدس میں ایک اور عام لوگ سے لقمان حکیم کے نام سے یاد کرتے ہیں, اس نام کی قرآن میں سورت ہوئی ہے. لقمان حکیم یہ گولیوں ٹکوں والا حکیم نہیں ہے, یہ حکمت بھری باتیں کرتے ہیں. ان کے بارے میں مفسرین کی آرائے, کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا نبی, کچھ فرماتے ہیں نبی تو نہیں ہے لیکن اللہ کا ولی ہے. اچھا نبی ہو یا ولی ہو, کم از کم بھائی ہو, ایسے ضرور تھے کہ میرے اللہ کو یہ بندہ بڑا پسند ہے, جس کی گفتگو جس کی باتیں اللہ نے اپنے قرآن میں ذکر کی ہیں, امت محمدیہ کے لیے کچھ سبق رکھے ہیں, تو اس لیے اتنا مقبول بندہ ہے یہ کہ اس کی باتیں اللہ نے اپنے پاک کلام میں ذکر. جناب لقمان حکیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو پاس بٹھاتے ہیں اور حکمت بھری باتیں شروع کر دیتے ہیں, شاگرد کے اتر جائے تیرے دل میں میری بات, انشاءاللہ ایک ایک بات سن لوں گے تو کلیجے میں اترتی چلی جائے, اور اس احساس سے ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو کچھ سکھا سکتے ہیں. جب سے ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا چھوڑ دیا ہے, بلکہ اکثر تو ہمارے لوگ کہہ دیتے ہیں کوئی گل نہیں بچہ بڑا ہو گیا آپ ایسا, میرے بھائیوں بچے بڑے ہو کے خود سمجھنے والے ہوتے نا, تو کبھی اللہ تعالیٰ آسمان سے یہ کتابیں نہ اتارے تو خود سمجھ جاتے ہیں, بڑے ہو کے اگر خود سمجھتے تو اللہ تعالیٰ نے 124,000 کم بیش انبیاء و مرسلین کو بھیجا ہے, خود سمجھنے والے تھے تو پھر اتنے انبیاء کیوں آ گئے, اتنے انبیاء کو بھیجا ہے اس مخلوق کو سنوارنے کے لیے, اتنی کتابیں اتنی ہیں اس مخلوق کو سنوارنے کی, تو خود سمجھنے والی بات نہیں ہے, چھوڑ دیں گے, ہماری ذمہ داری ہے اور اتنی بڑی ذمہ داری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, حضرت انسان جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا نا تو پانچ ایسے سوال ہیں, فرشتے ایک قدم نہیں اٹھانے دیں گے, پہلے پانچ سوالوں کا جواب دیں گے, ان پانچ سوالوں میں سے ایک سوال اولاد کا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ پوچھے گا بندے بتا میں نے تجھے اولاد دی تھی تو بتا نا اولاد کس کام پہ لگائی تھی, یہ وہ بات ہے کہ اس کا میں قیامت کے دن پوچھا جانے والا ہے. تو وہ منظر آنے سے پہلے پہلے میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سوال کا ہم نے جواب دینا, تو کیا جواب دیں گے میرا بچہ کبوتر باز تھا, ہم نے کیا جواب دینا کہ میرا بچہ آگے دیا تک چوک پہ بیٹھا, کیا جواب دیں گے کہ ہمارا بچہ کبھی مسجد ہی نہیں جاتا, ہم نے کیا جواب دینا میرے بچے کو ڈاتا ہے قرآن ہی نہیں آتا, تو کون سا جواب ہمیں دینا ہے اس بات کا خیال رکھنا. تو خیر ہے جناب سے سنا لقمان علیہ السلام کی حکمت بھری جو اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں, اس نیت سے سنیے گا کبھی ہم نے بھی اپنے بچے کو پاس بٹھا کے یہ باتیں بتائی, پہلی بات تو کبھی ہمارے بھائی سے ناظرہ ہی نہیں آتا, تو جب ناظرہ ہی نہیں آتا تو پھر ہم ترجمہ کیسے پڑھیں گے. خیر لقمان حکیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو پاس بٹھاتے اور ارشاد فرماتے ہیں یا بنی انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. سادہ انداز میں بات سمجھانا چاہوں گا, باپ اپنے بیٹے کے ذہن میں نا اللہ کے بارے میں ایک نظریہ بٹھا رہا ہے, اور
अल्लाह को करीब कितना समझते। बाप अपने बेटे से कहता है, बेटे ख्याल रखना जिंदगी में अगर तुमने कोई अच्छा काम किया, एक राई में दाने बराबर भी हो छोटा सा काम तुम अच्छा किया, तू चाहे जमीन की तह में चला जा, आसमान की बुलंदियों में चला जा, तू किसी चट्टान में दाखिल हो जाए, जहां चला जाएगा ना जब तेरे अल्लाह, तेरा अल्लाह तुझे देख रहा है। ये इतनी बड़ी बात, आज अक्सर गुनाह होता है क्यों करते हैं, क्योंकि हमने अल्लाह की असूल को समझे, हमने अल्लाह की असूल को समझे सिर्फ माहे रमजान के अंदर। माहे रमजान में बंदा बंद कमरे में बैठा हो, फ्रिज में मशरूबात पड़े, खाने की चीजें पड़ी, अच्छा दरवाजा भी बंद है तो मुसलमान को कौन ना बैठा खा ले, तो कहता नहीं कमरा बंद है लेकिन मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो सोचो ना यार, एक जहन बना हुआ है, मेरा अल्लाह देख रहा है इसलिए मैं खाऊंगा नहीं, मेरा रब देख रहा है इसलिए मैं पीऊंगा नहीं। तो ईमानदारी से सोचो, जो रब माहे रमजान में बंद कमरे में देखता था, माहे रमजान गुजरने के बाद फिर उसकी नजर में फर्क तो नहीं पड़ गया। जनाब इमाम हकीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, बेटे इस बात को ज़हन में व्यवस्थित कर ले, तू कोई गुनाह करे आसमान की बुलंदियों में चढ़ जा, जमीन की गहराई में चला जा, मत समझना मुझे किसी ने देखा नहीं। चलो एक गांव का माहौल है, आज बाप अपने बेटे को कहता, बेटे डंडी पे खड़ा हो जा, जरा देखना मैंने किसी की चोरी चारा काटना है, तूड़ी उठानी है, कोई देख तो नहीं रहा है। ऐसे सोचो, ये मुसलमान, यही मुसलमान माहे रमजान के अंदर तो बंद कमरे में खाता नहीं है, इसी ने तो मशहूर किया नहीं, मेरा अल्लाह देख रहा है। तो सोचना यार, अब तेरा अल्लाह नहीं तुझे देख रहा, तो लुकमान हकीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अल्लाह के बारे में ये अकीदा दे, ये फरमा बेटे तू जिंदगी में कोई अच्छा काम कर या बुरा काम कर, ये मत समझना मुझे किसी ने देखा नहीं, रात का अंधेरा मुझे किसी ने देखा नहीं, फरमा वो कोई और होगा जिसे नजर नहीं आता है, हमारे रब को आसमान की बुलंदियां या जमीन की गहराई है। फरमा यकी भी अल्लाह, तेरी नेकियां या तेरे गुनाह कयामत के दिन तेरे सामने आ जाएंगे, अल्लाह तेरा देख रहा है। तेरा अल्लाह बड़ी बड़ा खबरदार है, उससे कोई चीज छुप नहीं सकती। एक अकीदा बिठाया, दूसरी बात बाप अपने बेटे से कह रहा है, या बोले सलाह, बेटे नमाज का इंतजाम कर। सोचे यार, एक इमाम के कहने पे ये मसाइल हल नहीं हो सकते, ये हुक्म बाप को दिया था दीन ने इस्लाम ने, कि बेटा 7 साल का हो जाए इसे नमाज का हुक्म, बेटा 10 साल का हो गया तो छड़ी से मार, बाप को कहा था तू मार ले, क्योंकि जब जैसे दौरे मौजूद चल रहे हैं इमाम ने किसी तालिबे इल्म को छड़ी मार दी तो उसमें तो केस ही हो जाए, लेकिन अगर बाप मारेगा तो केस तो नहीं दो। तो इसलिए दीन इस्लाम ने बाप की जिम्मेदारी लगाई। लुकमान हकीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अपने सलाह बेटे नमाज का इंतजाम, ये नमाज इतनी अहमियत का काम है, अल्लाह का फर्ज अपनी जगह पे है, लेकिन मोहब्बत रसूल रखने वालों प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। दुनिया चाहती है हम जल्दी जल्दी दो से चार से आठ तक पहुंच जाए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुनिया में जरूर चाहता है ना तू, तो फरमाया अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, मोमिन का उरूज अल्लाह ने नमाज में रखा हुआ है। तो नमाज बाप अपने बेटे को नमाज का पाबंद बना रहा है, और साथ फरमा पकड़ो बिल माफ, बेटे लोगों को अच्छी बातें दी है, नेकी का हुक्म, और जो बंदा नेकी का हुक्म देने वाला होगा वो सबसे पहले अपने मन में खुद ही जागना शुरू कर देगा, अगर मैं कहूँगा तो लोग कहेंगे ना यार तू आप तो करता नहीं, लोग सोचेंगे कि खुद क्यों नहीं करेगा। तो जब किसी को कहने का जज्बा आता है ना, तो फिर पहले बंदा खुद सोचने लग जाता है कि यार मैं भी अच्छे काम करने लग जाऊं। तो जनाबे लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को फरमाते हैं, बकरो बिल मालूम, नेकी का हुक्म किया कर, वनहा अनिल मुनकर, और बुराई से मना किया कर, और ये भी काम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को सौंपा गया। यहां रुक के अपने भाइयों को ये बात समझाना चाहूंगा, हमारी पहचान है उम्मत मुस्तफा की, ये पहचान है कुरान मुकद्दस ने उम्मत रसूल की, ये पहचान बताई
एक मकाम पे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मेरे महबूब की उम्मत के काम के इरशाद फरमाया, यतअमुर बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, ये नेकी का हुक्म देते हैं बुराई से मना करते हैं। हमारी तो पहचान ही है, और साथ ही साथ इधर पहचान बताई गई उधर दूसरी बात भी बताई। पहले इरशाद फरमाते हैं कामिल तरीन ईमान उस बंदे का है जो बुराई देखे और उसे अपने हाथ से मना करे। कामिल ईमान उस पर घर का माल और मरने की बात हो, गांव के मसले होते, शहर की बात हो, जब बुराई देखेगा तो फरमाया कामिल ईमान सबसे आला कर चाहिए कि अपने हाथ से रोकेगा। दूसरा स्टेप इरशाद फरमाया अगर हाथ से नहीं रोक सकता तो फरमाया तुम्हें जुबान से ही कहे, ये दूसरा स्टेप। और आखिरी दर्जा इरशाद फरमाया तो फरमाया चलो हाथ से भी नहीं रोक सकता, जुबान से भी नहीं रोक सकता, उस बुरे काम को देख के अपने दिल में तो बुरा समझ ले, इससे फरमाया कमजोर दर्जा कोई नहीं। लेकिन अगर एक हो कलमा पढ़ने वाला बुराई होते देख के हाथ से भी मना नहीं करता, जुबान से भी नहीं करता, बुराई होते देख के उसके दिल में भी ख्याल नहीं आता है कि चलो होता है तो हो, जैसे हमारे अक्सर दोस्त कहते हैं जितने मेरे को लग गया लग गया, ये सोच इतनी खतरनाक है। एक कलमा पढ़ने वाले में और एक बेईमान में फिर फर्क नहीं बचेगा, ये बात जरूर है। तारीख में अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया एक बस्ती के लिए कि जाओ बस्ती पे मेरा अज़ाब। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो देखा पूरी बस्ती में एक बंदा ऐसा है जो अल्लाह का। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं या अल्लाह इस बस्ती में सिर्फ एक बंदा बाकी है जो तुझे याद करता है। इसका मतलब ये हुआ पूरी बस्ती में अगर एक बंदा भी ऐसा हो तो खालिस खालिस बंदा अल्लाह का, उस बस्ती में कभी फिर अज़ाब नहीं आता जब तक एक भी बाकी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं या अल्लाह भी एक बैठा है तो हुआ सबसे पहले अज़ाब इसी को। अब अक्ल तो हैरान है कि अल्लाह का करता है, तारीख शायद है हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं मेरे मालिक इसकी वजह समझ नहीं आ रही, ये एक मुझे याद करता रहा है। फरमाया याद तो कर रहा है लेकिन बाहर मेरी नाफरमानी होती है, ना ये जुबान से मना करता है ना हाथ से रोकता है, इससे ख्याल ही कुछ नहीं है, मेरी नाफरमानी बाहर हो रही है और ये ख्याल ही कुछ नहीं करता। इसमें और काफिले में फर्क क्या पड़ता है, जैसे अजाब दूसरों को आया इसे भी आया। तो इसलिए हजरत लुक्मान हकीम अलैहि सलाम अपने बेटे को फरमाते फरमा बेटे बुराई से मना भी कर बस में अलाम असाब, और ये रास्ता इतना कठिन है मुश्किल हालात है, जो भी बंदा इस रास्ते पे चलता है ना हम कहते हैं कि शायद जब चलेंगे तो दो गले में हार ही डालेंगे। हमारे पैर की संगत असल की दोनों सुन रहे हैं, लोग गले में हार भी डालते हैं लोग ताने भी डालते, पैरें की संगत असल सरकार का लोगों ने अच्छे तरीके से इस्तकबाल भी किया है और ताइफ के मैदान पर पत्थरों के साथ भी इस्तकबाल हुआ है। ये दोनों चीजें सुन्नत ये साथ साथ चलती है, जो बंदा भी अच्छाई का हुक्म देने बुराई से मना करने निकलेगा ना तो फिर बातें सुननी पड़ेगी। अब जो बातें सुननी पड़ रही है तो हजरत लुक्मान हकीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब कभी कोई बात करते ना तो उस पर सब्र करो, बस फिर अलाब अगर कोई परेशानी आ जाए तो उस पर सब्र से काम करो। काम बड़े पुख्ता काम है बहुत आला काम है बेटे के तुझे बता रहा, औलाद की तरबियत में ये बुनियादी नसीहतें रखती। और फिर इरशाद फरमाते वला तुसअर खद्दक लिन्नास, बाप की जिम्मेदारी है बेटे को बोलना सिखाए, जब बाहर आपसे बड़े हो या अपने हम उम्र से गुफ्तगू करनी तो कर भी नहीं सकते। जनाब लुक्मान हकीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को इरशाद फरमाते हैं जब किसी से बात करते लगो ना तो ऐसी तलख अंदाजी से गुफ्तगू न करना कि बंदे कहने यार ना ही बोलो तो चंगा, इसकी बातें सुनने को जी नहीं चाहते। तो फरमाया इस अंदाज से कभी किसी बड़े से बात नहीं करो, और दीन इस्लाम ने सादा से लफ्जों में कह दिया फरमाया जो बड़ों का एहतराम नहीं करता छोटों पर शफकत नहीं करता वो हमारा है ही नहीं।
तो हजरत लुकमान हकीम अलैहिस्सलाम फरमाते वला तुसाइर खतक लिलनास, लोगों से बात करो तो नरम मिजाजी के साथ, लोगों का जी चाहे कि मैं इस बच्चे से गुफ्तगू करूँ, ये अच्छा है, नेक सीरत आती है। वला तुमशिफ अल्अर्ध फरहा, बाप का माँ का हक बनता है अपने बच्चे की चार ढाल में नजर रखे। मेरे भाइयों को बात समझ आ रही है? बाप का हक मानता अपने बच्चे की एक एक कदम पे नजर रखो। अब लुकमान हकीम अलैहि सलाम फरमाते बेटे वला तुमशिफ अल्अर्ध मारा, जमीन में अकड़ के नहीं चलता। अब मिसाल के तौर पर बच्चे ने कंगी शंगी की है, मेरे बाप उसने खोला है, घर से बाहर निकला है, तो क्या बाप देख लेगा मेरा बच्चा इस अंदाज से बांध रहा है? बाप की जिम्मेदारी है। फरमाया बेटे ख्याल रखना, तू चले तो तेरी चाल में बदमाशी नहीं होनी चाहिए। वला तमशिफ अल्अर्ध मरहा, जमीन पर अकड़ के नहीं चलना। क्यों? इस बात की फिक्र है कि मैं अपने बच्चे को ऐसा बनाऊं जो मेरे अल्लाह को पसंद आ जाए। और गुरूर तकब्बुर एक ऐसी गंदी बीमारी है, कुरान मुकद्दस ने कई मकाम पे इसका जिक्र किया। तभी तो फरमाया मुस्तकबिरी, अल्लाह को तकब्बुर वाले बंदे पसंद नहीं। तो ये अल्लाह का बंदा है, इसलिए ऐसी बातों से मना कर रहा है जो अल्लाह को पसंद ही नहीं है। तो मेरा बेटा ऐसा काम करे, गुरूर की वजह से शैतान को मार सिर्फ गुरूर लेके बैठ गया। अल्लाह का बड़ा इबादत गुजार है, 6.5 करोड़ साल बेचारे ने इबादत की, लेकिन गुरूर तकब्बुर लेके बैठ गया, मिलकर इनकार भी किया और साथ तकब्बुर भी किया। तो तकब्बुर एक ऐसी चीज है जो बंदे को बर्बाद कर। जनाबे लुकमान हकीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से फरमा रहे वला तमशिफ अल्अर्ध मरहा, चलो अकड़ के न चलो। और हमारे करीब सरकार के चलने का अंदाज से होता था, जब आप चलते तो यूं लगता था जैसे ऊंचाई से बंदा गहराई की तरफ उतरता हो, निकाहें झुकी हुई, ये अंदाज है चलने का। एक मुसलमान को पता हो कि मेरे बाबू के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते कैसे। अल्लाह और मजीद फरमा कि अल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, अकड़ के क्यों नहीं चलना? तो फरमाया चूंकि अल्लाह को अकड़ के चलने वाला, फख्र करने वाला, गुरूर तकब्बुर करने वाला पसंद नहीं है। तो बेटे मैं तुझे ऐसा नहीं बनने दूंगा कि जो मेरे अल्लाह को पसंद नहीं हो, मैं तुझे ऐसा बनाना चाहता हूँ तू मेरे नाम को पसंद आ जाए। वक्त सिर्फ मस्जिद का, और मैं अपनी चाल में दरमियान में चार इख्तियार कर, ना तो इतना छछोरा पा रहा हो कि बंदा दौड़ लगा के चल रहा है, ना इतना हो कि बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कदम उठ रहे जैसे बीमार होता है। फरमा ऐसे भी नहीं, ऐसे दरमियानी चाल चला कर। वक्त वक्त मिल सौती इरशाद फरमाया, जब घर के माहौल में या मोहल्ले की बात हो जब बोलो तो फरमाया तुम्हारी आवाज घर वालों से ऊंची नहीं होनी चाहिए। जब बच्चा घर के माहौल में है, बाप के सामने बोल रहा है, माँ के सामने, बड़े भाई के सामने, या अपने बाप के हम उम्र के सामने बोल रहा है, तो फरमाया वक्त मिल सौती अपनी आवाज बस्त। ऐसा ना हो कि अब्बा जी आहिस्ता आवाज में बात करते लेकिन बेटा उससे दो गुना ऊंची आवाज में बात करता है, तो फरमाया ये तेरा लहजा नहीं होना चाहिए। ये वो बाप बातें कर रहा है, इसकी बातें हमारे रब को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने अपने कुरान की जीनत बना दिया है। तो फरमाया वक्त तो फिर सोचे अपनी आवाज धीमी रखे, इन्ना अनकर लस्वात लसौत हमीद, फरमाया मेरे अल्लाह को गधे की आवाज पसंद नहीं है। गधा जब बोलता ना तो पूरे मल्ले मल्ले परेशान हो जाते, और वैसे हिस्सों में जब गधा बोले तो बड़ा बोला होगा बड़ा कुव्वत इल्ला बिल्लाह, इस तरह गधे की आवाज पसंद नहीं। तो घर के माहौल में जब बेटा इतनी ऊंची आवाज से बात कर रहा है कि बाप से भी सिपर है, अम्मा से भी ऊंची आवाज में बात कर रहा है, इस अंदाज को कुरान ने गधे से तशबीह फरमाया। जैसे गधे की आवाज़ें अल्लाह को पसंद नहीं है, तो ऐसे बड़बोले बच्चे की आवाज़ें भी अल्लाह को पसंद नहीं है। ये वो तरबियत है मेरे भाई में जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने अपने सहाबा को इरशाद फरमाई। जनाबे लुकमान हकीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कह रहे हमें सबक दिया, अपने बच्चों पे ध्यान दे। तो मेरे भाई इन बच्चों की खातिर देखो, दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं इन बच्चों की खातिर, हम अपने मुल्क छोड़ देते हैं इन बच्चों की खातिर, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होता है। और मुस्तकबिल कितना है, इंतकामी अधिक
इस मुस्तकबिल में हम पड़े हुए हैं कि यार हमारे बच्चे का मुस्तकबिल अच्छा होता है। इससे मुस्तकबिल को संवारने के लिए दिन रात काम नहीं कर, अच्छा वो है कि नहीं कर, ज्यादा से ज्यादा चलो बच्चा अगर पढ़ लिख गया तो चलो 40 साल से चलो और दौड़ लगा ले 50 साल होता है, 60 साल होता है, एक जानब 60 साल मुस्तकबिल और दूसरी जानब मरने के बाद कब हश्र बर्पा हो रहा है हम पूछने चाहते। कयामत का पहला दिन कुरान इरशाद फरमाता है एक दिन 50,000 साल, तो सोचो वो मुस्तकबिल कहां गया इसके हमें फिक्र ही नहीं। कब्र से लेकर हश्र के मैदान का और फिर हश्र के बाद पहला दिन 50,000 साल का है, इतना लंबा मुस्तकबिल उससे हमने आंखें बंद कर ली कि बच्चा नमाज पढ़ता है कोई फिक्र नहीं। हाँ इसकी फिक्र, इस मुस्तकबिल की फिक्र है, बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, अम्मा भी डांटेगी, बाप भी डांटेगा, बड़ा भाई भी कहेगा कि मैं फीस दे रहा हूँ तो ये स्कूल भी नहीं गया, बच्चा ट्यूशन नहीं गया तो सारे तरीके भी अगर तो क्यों नहीं गया। लेकिन अगर बच्चा आखिरत का मुस्तकबिल संवारने के लिए मस्जिद नहीं आया है तो किसी को भी फिक्र नहीं, आखिरत संवारने के लिए बच्चे ने कुरान नहीं पढ़ा तो किसी को फिक्र नहीं। तो सोचो यार हम इस मुस्तकबिल के पीछे और इस मुस्तकबिल के बारे में हम इतने भूले और इतने हमने फरामोशी कर दिया। पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते नमाज कहाँ बताओ तुम्हें समझदार था, तुम्हारी नजर में समझदार था कौन, जैसे हमारे दौर में हम कहेंगे समझदार वो है जो इसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी होगी, इसका बैंक बैलेंस ज्यादा हो, कोठी बड़ी होगी, गाड़ी उसके पास अच्छी किस्म की, तो बड़ा समझदार आदमी, या परे पंचायत में बैठे तो झूठ को सच और सच को झूठ करने वाला और बड़ा समझदार आदमी, हम कहते ये सब। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सहाबा मेरी नजर में समझदार बंदा वो है जो दुनिया में रहे यहां रहते हुए अपनी कब्र भी सवार जाए और हश्र भी सवार जाए, ये बड़ा समझदार है। और इस समझदारी की बात सुल्तान बाहू अली राम इरशाद फरमाते हैं हसन देख के रोन ले और तन दिता किस दिलासा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी मरहूम सुभानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बंदे जब दुनिया में आया था तो रोता था तेरे घर वाले मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जिंदगी ऐसी गुजार ले इतनी अच्छी जिंदगी गुजार जब दुनिया से जाए तू मुस्कुरा रहा हो तेरे घर वाले रो रहे हो, लेकिन अगर आया भी तू रोता और जब दुनिया से जाए भी तू रोता तो फिर कमाया क्या है। इस मंजर को पेश किया हसन देख के रोन लियो तन दिता किस दिलासा, उम्र बंदे दिए ने गुजरी जे ने पानी बेच पतासा, सोड़ी थामे तेन सख छोड़े सन पलट न सक से पासा, मालिक तेरा ते तो लिखा मंगसी जे करती घट न पासा। मालिक को अपने हिसाब दे ना, खुसूसन जो अल्लाह ने हमें औलाद दी है तो इस औलाद का हमें जवाब देना है कि भाई औलाद इस काम में लगा के आई थी जरा देना जवाब, बाप था या माँ थी तो किस काम पे लगा गया है। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों ऐसे ये मौन अच्छा लगा कि बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, अल्लाह आप सब चीज मदद फरमाए, तो ये कतरे से कतरा मिलेगा तो फिर दरिया बन जाता है, घर एक गाँव का माहौल बनता है, मोहल्ले का माहौल बनता है, सारे बच्चे बच्चे अच्छी जमात उन्हें ठीक आती होगी, पुराने मुकदस से कम से कम नाजरा ठीक आता है, ये दसवीं क्लास में माशाल्लाह क्या बात है, घर के घर माशाल्लाह बाग लगा हुआ है। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं जिसने अपने बच्चे या बेटी को नासरा कुरान पढ़ा दिया ना इसके बदले अल्लाह इसके माँ बाप के सारे गुनाह माफ कर देता है, इतना बड़ा काम है, और मोहल्ले का एक माहौल बन जाता है और उस घर का एक माहौल बन जाता है कि यार घर में चलो कम अज कम कुरान तो ठीक पढ़ने वाले। तो साहब के साथ ये आप बच्चे भेज के था हर बंदा ये कोशिश कर बंदे बंदे दसरे में बंदे का काम भी है। आखिरी जुमला दे रहा हूं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने सिर्फ 23 साल की अर्ज सिर्फ 23 साल की अर्ज में 1,24,000 का मुवेश सहाबा इकट्ठे कर लिया और बंदे भी बोलो कामिल तरीन दो, ये पता काम इतना बड़ा क्यों हो गया क्योंकि हर बंदा काम है। अब एक इमाम साहब है अगर किसी को कहते भाई जब नमाज पढ़ ना करो तो बाकी कहते हैं भाई कोई आए ना आए कितने लगे ने लगे रहे नसीब से, ये सोच इतनी खतरनाक है। दादा गांधी बख्श भी हजबीर का मौजूद है कारण है फरमाते कि अगर
अगर यही सोच बन जाए ना कि जहाँ लोग लगे मस्जिद के लगे रहे, तो फरमाया जरा फिर जवाब भी दो ना, अगर 40 बंदे एक कश्ती में बैठे हो, पानी से कश्ती गुजरती जाती है, दरिया क्रॉस हो रहा है, 40 में से एक बंदा होते कुल्हाड़ी पकड़े और फटका तोड़ना शुरू करे और बाकी जो 49 लोग बैठे वो कहें ठीक है मियां जी लगे हैं लगे रहे साडा, तो देख नतीजा क्या निकलेगा, हम तो रुपए सनम तुम्हें मिलेगा, ठीक 5 मिनट के बाद जब फटका टूटेगा पानी कश्ती में आएगा, ये एक तो जाएगा ही जाएगा, 7 49 को मिले टूटेगा, वो 49 आदमी बचने वाले फिर नहीं है, बस एक ही बचता है मोहल्ले में, अगर एक मिसाल के तौर पर उसका मिजाज खराब है, अक्खड़ मिजाज है, किसी गलत काम पे लग गया, शराब पे लग गया, तो मतलब ये नहीं कि हमें क्या लगे, हमें क्या लगे नहीं, इसे मिटाओ, इसे समझाओ मेरे भाई किस काम पे लग गया, हमसाया अगर बेनमाजी हो तो इसे समझाना होगा मेरे भाई, बेनमाजी भी कोई इंसान होता है, सुबह जब होती है ना अल्लाह के सारी मखलूक अल्लाह का नाम है, हत्ता के हदीस पाक में आता है खिंजीर बना मांगता है, या अल्लाह शुक्र है तो मैं तो खिंजीर बनाया ही पर बेनमाजी का नहीं बनाया, लेकिन एक इंसान है, एक वृद्ध इंसान, सुबह चिड़िया भी उठ के अल्लाह का नाम ले, जानवर सुबह उठ के अपने आप को याद कर, एक इंसान है जो मिट्टी में सोया होता है, तो खैर है अपने बच्चों को खुशी अपने बच्चों पर नजर रखें, मसला जब इतने अभाव है हर बंदा ही दो दो बच्चे तो कम अज कम होंगे, अगर दो दो पुत्र भी ना लेके आओ तो अपनी मसीहत माशाल्लाह खरीद कर लेंगे, हमारा ये मसला चुके ऐसा ना हो कि हमारा बुजुर्ग आदमी नमाज पढ़ने आता है अल्लाह ना तरीके से बहुत हो गया तो ये गया तो बस इसका मसला होता है, इसलिए नमाज कम हो गई क्योंकि जो नमाजी फौत हुआ उसने अपनी जगह फिल नहीं की, हाँ दुनियावी लिबास से बड़े से अड़े जब बंदा मुलाजिम हो तो कहता मरने से पहले पहले अपने बच्चे को अपने सीट पे खड़ा कर दो, अच्छा उस सीट पे खड़ा कर दिया तो मस्जिद वाली सीट किसने खुद कर ली थी, उस सीट से तो बड़ी फिक्र थी कि चलो मरने से पहले पहले बच्चे को यहाँ पे लगा दो, तो जो मस्जिद वाली सीट थी इस पर किसने लगा दिया, तो खैर अल्लाह ताला आपका आना मिल बैठना अपने बारे में कबूल फरमाए, और खुसूसन में अपने भाइयों को फिर गुजारिश कर रहा हूँ अपने बच्चों को नाजना पढ़ाओ, बहुत अच्छी बात है हिफ्ज़ कराओ तो फिर तुम सोने पे सवार है, क़यामत के दिन दस्तारे मांगे जाएंगे और ऐसी दस्तार होगी, ये मंजर क़यामत के दिन के आ चुके हैं, ये स्थिति आज अक्सर हमारे भाई कहते हैं छोटो जी को तो मौलवी बना दिया, अब की कर रहे हैं मौलवी बनेगा देने की कर रहे हैं, बाहर का लोग कुछ ना कुछ आराने में तो वहाँ चले सरों से जो फिक्र वो लगी हुई है इस वास्ते, लेकिन मेरे भाई जब क़यामत का दिन आएगा तो पता उस दिन चल रहा है जब ऐसी दस्तार माँ के सर पे बाप के सर पे बांधी जाए जिसकी रोशनी सूरज से ज्यादा हो, उस वक्त तो पता चलेगा कि ये मौलवी बनाना या हाफिज बनाने की कितनी कदर और दूसरी तरह की कितनी कदर, खैर अल्लाह ताला आप सबका मिल बैठना अपनी बात करें बिस्मिल्लाह अल्लाह अल्लाह